रंजिश के चलते पिता पुत्र पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला। घायल ने गोली मारने का भी लगाया है आरोप। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र में अरुआ का नाला के पास बाइक सवार पिता पुत्र पर पुरानी रंजिश के चलते आधा दर्जन लोगों ने हमला कर दिया। हमले में पैरों में गंभीर चोटें आने पर घायल को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल युवक ने पैरों में गोली मारने का आरोप भी लगाया है। अस्पताल में भर्ती कराए गए 40 वर्षीय घायल युवक ऋषि भरद्वाज पुत्र नथीलाल निवासी अब्दुलपुर ने बताया कि पूर्व में गांव के ही रहने वाले हेमंत ठाकुर से बच्चों के विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था, जिस झगड़े के बाद आरोपियों ने घात लगाकर रास्ते में उन पर हमला किया है। घायल ने बताया कि वह 4 दिन पहले दुर्घटना में घायल हुए अपने 16 वर्षीय बेटे शिवांशु को दिखाने के लिए अस्पताल लेकर जा रहा था, जहां रास्ते में 3 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए आधा दर्जन लोगों ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद आरोपियों ने लाठी सरियों से दोनों पिता पुत्र की मारपीट शुरू कर दी। घायल ने बताया कि मारपीट करने के बाद आरोपी उसके पैर में गोली मारकर भाग निकले। हमले की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों की मदद से घायल को एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल लाया गया। घटना की सूचना मिलते ही कंचनपुर थाना पुलिस जिला अस्पताल धौलपुर पहुंच गई, जहां पीड़ित के पर्चा बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही की गई। कंचनपुर थाना प्रभारी सैतान सिंह ने बताया कि घटना में शामिल आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है, जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 24 तारीख को मेरे बेटे ने पीछे से गाड़ी ठोकी थी इन लोगों ने, हेमंत भूरा उर्फ भूरा पुत्र राजेंद्र ठाकुर निवासी अब्दुलपुर कल्याण और उनके कई साथ थे उनके लोग, और मैं अपने घर से उस बेटे के मेरे क्लेविकल टूट गई थी, गर्दन की हड्डी और कान में का पर्दा फट गया था। पीछे से वो देखी बुलेरो इन्होंने मोटरसाइकिल में, तो हमें पता नहीं चला कि ये लोग हमसे ऐसी दुश्मनी निकाल रहे हैं। आज मैं उसको दिखाने के लिए धौलपुर आ रहा था, जयपुर के लिए जा रहे थे हम दोनों, उसके कान का पर्दा फट गया था, ब्लीडिंग हो रही थी बार बार और उसकी हड्डी सही नहीं जुड़ रही थी, तो उसको लेके जयपुर जा रहा था। रास्ते में अरुआ नाला के पास हमको घेर लिया 6 लोगों ने, भूरा और हेमंत पुत्र राजेंद्र और कल्याण वगैरह और सोबू वगैरह और उसके साथी थे, 6 लोग थे, 3 मोटरसाइकिल से खड़े थे वहाँ पर। हमें पता नहीं था कि ये कौन लोग हैं, मुँह से वो बंधा हुआ था। हेमंत को पहचान लिया और कल्याण को पहचान लिया, सेवू को पहचान लिया था हमने, और इन्होंने हमसे लाठी डंडों से सरियों से वार किया और एक मेरे पैर में गोली दी।